भीलवाड़ा जो कस्बा है ये ऐतिहासिक रूप से 4000 साल पुराना एक कस्बा है जिसका अपना इतिहास है। यहाँ पर 400 जैन मंदिर हुआ करते थे और इसी वजह से इस कस्बे को देवकुल पाटन नगरी यानी देवताओं की नगरी के नाम से जाना जाता है। तो लोग जब ये चर्चा करते हैं तब बड़े गर्व से ये कहते हैं कि भाई हम लोग इस तरह की जगह के रहने वाले हैं, लेकिन जब उनको पुरातात्विक महत्व की स्थानों और मंदिरों और उनके रखरखाव के बारे में बात करते तो वो लोग बगले झांकते और वो अपेक्षा करते कि सेवा मंदिर या ऐसी कोई संस्था या सरकार आए और इनका पुनरुद्धार करे, रखरखाव करे। आमतौर पे लोगों की धारणा होती है कि जो सार्वजनिक है वो किसी का नहीं है, यानी सबका है, सब स्वतंत्र हैं उस जगह का दुरुपयोग करने में, उस जगह को अपने तरीके से इस्तेमाल करने में और उसका, तो फिर वो रखरखाव नहीं होने के अभाव में वो जगह कूड़े का ढेर बनती जाती है। वर्तमान में इंद्रकुंड है, शिकार ग्रह है, शीतला माता का मंदिर है, त्रिमुखी वावड़ी है और बाईवा की वावड़ी है, काशेश्वर महादेव का मंदिर है जो कि बहुत प्राचीन है। इनकी आने जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, सड़क मार्ग नहीं है, सड़क मार्ग पौधारोपण और पानी की व्यवस्था हो गए तो यहाँ क्या कि सैलानियों का आना जाना भी प्रारंभ हो जाए। हम लोगों ने ये सोचा कि हेरिटेज महत्व को जब तक आगे तक नहीं पहुँचाया जाएगा तब तक इसकी ऐतिहासिकता का एक स्थान राजस्थान के टूरिस्ट जगहों के हिसाब से नहीं हो पाएगी। तो हमने एक हेरिटेज वॉक के नाम से एक बुकलेट बनाई थी। इस बुक में वो सारी जगह हमने दर्शाने की कोशिश की जो एक आम पर्यटक को समझ में आ जाए कि वो अगर इस देलवाड़ा को समझना चाहे तो कहाँ से शुरू करे और कहाँ तक जाए। इसी क्रम में हम लोगों ने दो तीन जगहों का जो कि बहुत ही ऐतिहासिक महत्व की भी थी लेकिन लोगों की ज़रूरत के हिसाब से भी थी, जहाँ पर लोगों की भावनाएँ जुड़ी हुई थी, उन जगहों का भी हमने पुनर्निर्माण करने की पहल की। मैं चाहता हूं कि हम सब लोग मिलकर इन धरोहर को बचाने के लिए अभियान चलाएं, वह पुरातत्व विभाग में पत्र लिखे व फ़ोन करें जिससे इन धरोहर का जीर्णोद्धार हो सके। मैं शमूलाल खड्डिक राजस्थान के राजसमंद जिले के देलवाड़ा गांव से, इंडिया अनहट के लिए।